सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों नमस्कार, मैं श्याम सुंदर पाठक, असिस्टेंट कमिश्नर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मॉडर्न इंडिया के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन। 215वीं-16वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के बाद ये वो दूसरा दौर था जिसने भारत की सोई हुई आत्मा को अनुप्राणित किया, जगाया। तो और ऐसे महापुरुष इस देश में हुए उस समय जिन्होंने न केवल मतलब एक तरीके से जो भारतीय थे उनको भारतीयता से ओतप्रोत किया और बल्कि उनके अंदर सोई हुई देश प्रेम की जो भावना है उसको भी जगाया। इन्होंने न केवल मतलब धर्म के अंदर आई हुई कुरीतियों को दूर किया बल्कि मतलब इसके साथ साथ उन्होंने जो है एक जो देश के लिए हमारा जो समर्पण था उसको भी बढ़ाया। तो ये केवल एक सामाजिक या धार्मिक सुधार आंदोलन नहीं है, केवल इसको इसी रूप में लेना ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए हम खास तौर से यदि दो महापुरुषों की बात करें, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद, आज भी ये आज भी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। और सोचिए कि स्वामी विवेकानंद जी कितने कम उम्र में ही इस धराधाम को छोड़कर चले गए, लेकिन उतने ही अल्प काल में आपने जो है भारत की सोई हुई आत्मा को जगाया। तो कितनी बड़ी घटना है भारतीय इतिहास की दृष्टि से हम देखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो केवल एग्ज़ाम की दृष्टि से ही बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि आज आप उन महापुरुषों के बारे में गहराई से जानेंगे और इनको केवल कुछ फैक्ट्स याद करके और मत समझ लीजिएगा कि आपने कुछ डाटा याद कर लिया और आपका हो गया काम। ये महापुरुष इतने मतलब महान हैं कि आज भी जो है आप सोचिए कि आज भी किसी भी युवा का जो प्रेरणा स्रोत है जब हम कहते हैं स्वामी विवेकानंद, तो आप सोच सकते हैं कि उनके जो विचार हैं वो कितने ओजस्वी, कितने क्रांतिकारी रहे होंगे। तो आज के हमारे टॉपिक्स जो भी हैं वो टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और उनको आपको बहुत शिद्दत से, बहुत ईमानदारी से, बहुत गहराई से जाकर पढ़ना है और उनके इम्पैक्ट्स भी आपको समझने हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्म समाज की और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मनोहर राय, एक तरीके से हम कह सकते हैं आधुनिक भारत के पिता हैं ये। ओके, और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, लेकिन उसके साथ साथ आत्मीय सभा से भी आपका नाम जुड़ा है। तो इनकी भी स्थापना के विषय में आप थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। देखिए ये ऐसे महापुरुष हैं जिनके विषय में आपको हर छोटी बड़ी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, हर छोटी बड़ी चीज़। तो राजा राम मनोहर राय जो है वो एक तरीके से नए भारत के क्रांति दूत की तरह हैं। तो आत्मीय सभा की स्थापना, हिंदू कॉलेज, ये सारे आए हुए सवाल हैं। ठीक है, ये जितनी चीज़ें बोर्ड पर लिखी हैं सब आई हुई हैं, कोई इसमें आपको छूट नहीं, कटौती नहीं है, आपको तैयार करना ही करना है। उसके बाद वेदांत सोसाइटी, वेदांत कॉलेज, ब्रह्म समाज का बाद में फिर विभाजन हो जाता है और एक आदि ब्रह्म समाज बनता है, भारतीय ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज। तो देखिए इसलिए आज हमने केवल पांच टॉपिक ही रखे हैं, पांच टॉपिक हमने इसलिए रखे हैं क्योंकि आप इनको बहुत शॉर्ट में तैयार कर लें तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि इन पांचों के बाद फिर जितने भी मतलब आंदोलन हुए हैं वो भी बड़े हुए हैं, लेकिन इतने प्रभावशाली स्तर तक नहीं रहे जितने जो मैंने आपको बोर्ड पर आज लिखे हुए हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा इनमें गहराई में घुसना पड़ेगा। तो ब्रह्म समाज का विभाजन क्यों हुआ, ठीक है, उसके क्या कारण रहे, फिर किस तरह से विभाजन हुआ, तो ये सारे विभाजन को आप एक चार्ट के माध्यम से तैयार करिएगा, ठीक है ना, और इनके कारणों की तह में जाइएगा थोड़ा गहराई से कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ओके, और उस विभाजन में केशव चंद सेन का क्या मतलब भूमिका है, तो बहुत बड़ी भूमिका केशव चंद सेन की रही है। तो क्यों हुआ ऐसा थोड़ा डिटेल में जाके पढ़िएगा। राजा राम मनोहर राय के विषय में भी जितनी भी जानकारी आप उपलब्ध कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे सवाल राजा राम मनोहर राय के विषय में पूछेंगे, जैसा कि राजा की उपाधि किसने दी इनको, कौन कौन सी पत्रिकाएँ आपने प्रकाशित की राजा राम मनोहर राय ने, पत्रिकाओं पर बहुत विशेष जोर है,
ठीक है। इसके अलावा सती प्रथा के अंत से जो है राजा राममोहन राय का एक मतलब नाम जुड़ा है। ठीक है, जब भी हम सती प्रथा के अंत की बात करते हैं तो राजा राममोहन राय की बात करते हैं। तो राजा राममोहन राय एक मतलब ऐसी शख्सियत के रूप में उभरते हैं जिन्होंने भारत में कुरीतियों का अंत की शुरुआत की। उसके बाद दूसरा हम नाम लेते हैं आर्य समाज का, बहुत ही महत्वपूर्ण उस काल का ये मतलब आंदोलन है एक तरीके से, या बहुत बड़ी भूमिका आर्य समाज ने निभाई। तो स्वामी विवेकानंद के विषय में पहले इनके बचपन का क्या नाम था, ये कई बार आ चुका है। ठीक है, फिर किस तरह से आपने जो है अपने गुरु, उनके गुरु कौन थे, फिर उन्होंने जो शुद्धि आंदोलन चलाया वो क्या था, ओके, और उनकी बुक्स, ठीक है ना, सत्यार्थ प्रकाश, और उसके बाद पाखंड खंडनी पताका फहराई, क्या थी ये पाखंड खंडनी पताका, कहाँ फहराई, कब फहराई, तो ये सवाल चूंकि आ चुका है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और उनके विषय में कुछ मतलब किसी ने उपाधि दी है, क्या उपाधि दी है ना, भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है आपको। उसके बाद आर समाज में किस तरह से जो है मतलब दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की कॉलेजों की स्थापना होनी शुरू हुई, तो कौन स्वामी श्रद्धानंद थे, किस तरह से जो है फिर ये जो आर समाज है वो दो भागों में विभक्त हुआ। ठीक है, तो आर समाज के विषय में आप जितनी जानकारी आज आप प्राप्त कर सकते हैं वो करिएगा। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या था, क्या उद्देश्य था बेसिकली आर समाज का स्थापना का, तो इसको थोड़ा गहराई में जाकर पढ़ेंगे, और उसका फिर प्रभाव, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा, मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत बड़ा योगदान आर समाज का जो है वो उस दौर में रहा है। आज हम भले ही आर समाज की उपस्थिति को उस तरह से महसूस न करते हों, लेकिन उस समय तो इसने इतना बड़ा रूप धारण किया कि जो हिंदू धर्म के अंदर जो कुरीतियाँ, जो आडंबर, ठीक है, जो पाखंड आ चुका था, उसको बहुत हद तक जो है वो आर्य समाज ने वो दूर किया। उसके बाद हम बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण मिशन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रामकृष्ण परमहंस के मत से अनुप्राणित होकर स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की। तो कब की, कहाँ की, ठीक है, शुरुआत में इसका कहाँ स्थापना हुई, बाद में फिर कहाँ इसको जो है स्थानांतरित कर दिया गया, स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था, फिर उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की तो कहाँ की, उनकी बुक्स, पत्रिकाएं कौन कौन सी स्वामी विवेकानंद जी ने वो बुक्स लिखी, और कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग के विषय में स्वामी विवेकानंद को थोड़ा सा डिटेल में जाकर पढ़िएगा। स्वामी विवेकानंद से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहेंगी, साथ के साथ वैचारिक दृष्टि से भी मुझे लगता है कि आपको समृद्ध करेंगी। स्वामी विवेकानंद अपने आप में एक, मुझे जो लगता है कि एक मतलब ऐसी विचारों की श्रृंखला है जो आपको हर जगह आपको उसका एक वो मिलेगा डायमेंशन, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है स्वामी विवेकानंद ने जो वैचारिक दृष्टि से हम कहें तो जिसको उन्होंने छुआ ना हो, जिसके विषय में उनके विचार ना हो, और बड़े शुद्ध और सटीक विचार, एक तरीके से मैं कहूँगा कि एक ऐसा सत्य उन्होंने उद्घाटित करने का प्रयास किया जो मनुष्य को मनुष्य समझता है, जहाँ मनुष्य के बीच में कोई भेदभाव नहीं है। तो ऐसे महापुरुष के विषय में आप जो भी जानकारी स्वामी विवेकानंद के विषय में, रामकृष्ण मिशन के विषय में, उसके बाद उनकी मृत्यु कहाँ हुई, रामकृष्ण मिशन की शाखाएं कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है, तो ये सारे सवाल चूँकि आ चुके हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ों को आप पढ़िएगा, और रामकृष्ण परमहंस के विषय में भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण करेक्टर हैं। रामकृष्ण परमहंस ही थे जिन्होंने नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बनाया, तो कहीं ना कहीं स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद ये दिखाते हैं कि गुरु और शिष्य की जो परंपरा है, और एक गुरु एक शिष्य को कहाँ तक पहुँचा सकता है, तो एक तरीके से गुरु की जो श्रेष्ठता है उसको भी ये मतलब परिभाषित करता है। उसके बाद थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना, संस्थापक कौन थे, कौन से देश के रहने वाले थे, कब हुई इसकी स्थापना, कहाँ पर हुई,
ठीक है, किसने इनको आमंत्रित किया भारत में आने के लिए, उसके बाद किस तरह से ये एनी बेसेंट के हाथों में आया और ये बहुत तेज़ी से फैला, फिर सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने की, बाद में वही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रूप में जो है वो चेंज हुआ तो कब हुई इसकी स्थापना, उसके बाद होम रूल लीग आंदोलन क्या था, क्या उसका इम्पेक्ट रहा, एनी बेसेंट कब कांग्रेस की जो है वो अध्यक्षा रहीं, और होम रूल आंदोलन जिस उद्देश्य से आया था फिर वो कितना उसमें सफल रहा और क्यों ये आंदोलन समाप्त हो गया, इसके विषय में भी आप जो है वो गहराई से पढ़ेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, आज केवल 5 टॉपिक केवल नाम भर के हैं, छोटे हैं, मतलब पढ़ने के लिहाज से, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे हैं। उसके बाद 5वां है प्रार्थना समाज, इसकी संस्थापक कौन थे, कब इसकी स्थापना हुई, कहाँ हुई और क्या इसका उद्देश्य था। तो आज सिर्फ इतना ही, बाकी के जितने भी आंदोलन हैं वो मैं आपको कल कराऊंगा। मुझे लगता है कि आज के लिए ये चीज़ें पर्याप्त हैं, और चीज़ें आज आपको न केवल याद करनी है बल्कि समझनी भी हैं, इनके इम्पैक्ट्स ज़रूर आपको पढ़ने हैं, और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि क्या करना है, कैसे करना है और क्यों यहाँ से किस तरह से सवाल बन सकते हैं। तो उसको थोड़ा डिटेल में जाकर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल निश्चित रूप से बनते हैं। तो दोस्तों इसी आशा और शुभकामना के साथ कि आप अपने कार्य को पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत, मेहनत के साथ कर रहे होंगे और एक ना एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले।